आज मैं आपको लेमन राइस बनाना दिखा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी है, इसे ज़रूर से ट्राई करें और ये इजी भी है। मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा तेल डाली हूँ, उसमें हम मूंगफली और काजू फ्राई करूँगी और इसे अच्छे से फ्राई करके निकाल लूंगी। काजू और मूंगफली को निकाल के मैं इसमें उसी ऑयल में अब मैं राई डाला है। राई के साथ मैंने एक टीस्पून चने की दाल और एक टीस्पून मैंने उड़द की दाल डाली है। एक स्पिंज मैंने इसमें हींग डाला है। चार छह मैंने कड़ी पत्ते डाले, थोड़े से हरी मिर्च चॉप डाला है, हाफ टी स्पून के करीब मैं इसमें अदरक क्रश किया हुआ डाल दे रही हूँ। और इसे अच्छे से भूनना है। उसके बाद इसमें हाफ टी स्पून हल्दी डालना है। के बाद अब इसमें राइस डालूंगी। लेमन राइस के लिए बासमती राइस होना ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी छोटी छोटी और पतली राइस ले सकते हैं, उसका लेमन राइस काफ़ी टेस्टी बनेगा। इसमें आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें और एक चुटकी आप इसमें चीनी डाल दें। चीनी डालने से क्या होगा कि इसका टेस्ट बैलेंस्ड हो जाएगा, जैसे खट्टा और तीखा। इसके बाद इसमें मूंगफली और काजू डाल के फिर उसे और थोड़ा फ्राई करें। ये सब अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसमें हाफ लेमन जूस डालें। उसके बाद इसमें ग्रीन धनिए का पत्ते डालें। उसके बाद इसे मिला के अच्छे से सर्व करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये जल्दी बनने वाली बहुत ही अच्छी डिश है। आप इसे ट्राई करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।